नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। राजीव नारायण शर्मा जी का इंतजार संडे है, आप सब कर रहे होंगे। मैं आपके लिए आज राजीव जी का बहुत खास, बहुत स्पेशल, बहुत शानदार शो है। एक किताब है ये, और बहुत बहुत लाजवाब किताब है, अराउंड द वर्ल्ड विद फोर समोसा, प्रवेश शैन है। इस किताब की कुछ खासियत है जो आज मैंने राजीव जी से डिस्कशन की है। राजीव जी ने भविष्यवाणी कर दी कि सरकार की विदाई तय है और इंडिया, मैं ज़्यादा बातें कर दूंगा फिर आपको राजीव जी को सुनने का मजा खत्म हो जाएगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े बड़े विस्फोट किए हैं राजीव जी ने। नटशैल में बता दूं, उन्होंने कहा है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि अगर तीन राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में अगर सरकार नहीं आती बीजेपी की, तो हो सकता है। मेरे एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी, मैं उनका फॉलो करता हूँ, बड़ी अच्छी सोच है। उन्होंने मुझसे कहा था कि संजय जी, संभव हो सकता है कि अगर हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में सरकार बीजेपी की नहीं आए तो मोदी जी खुद इस्तीफा देकर संन्यास दे दें। अब पता नहीं क्या होगा। मैंने राजीव जी से पूछे सवाल, बहुत सारे सवाल पूछे आज राजीव जी से, बहुत बढ़िया शो हुआ है। मैंने पूछा कि अगले संडे को मैं पूछूंगा कि यूपी में योगी जी की विदाई होगी या नहीं होगी, या अगले संडे को मैं उनसे सवाल पूछूंगा। एडवांस में मैंने उनको बता दिया। हर बार की तरह मैं फिर कह दे रहा हूं कि राजीव जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन शौक था अध्यात्म का, सालों अध्ययन करके अध्यात्म की दुनिया में आ गए। अगर आपको ज्योतिष में रुचि हो तो आप देखिए शो, ना हो ना देखिए, मेरी ज्योतिष में रुचि है इसलिए मैं ये शो करता हूं। कुछ भविष्यवाणियां सही हुई हैं, कुछ भविष्यवाणियां गलत हुई हैं, आपकी मर्जी, आप ये शो देखें या ना देखें, लेकिन देखेंगे तो मजा आएगा। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे हो, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे हमदर्द हैं, चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे ज्वाइन बटन है, चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। एक और प्रार्थना उससे, मेरी टीम ने कहा कि हमें सोशल प्लेटफॉर्म में भी एक्टिव रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब नहीं देखते, तो हमें दर्शकों को बताना चाहिए। मैं आपको ये ट्विटर की दो आईडी डिस्प्ले पे आ रही हैं। पहली आईडी जो है वो मेरी अपनी है, निजी है। ट्विटर जो अब एक्स हो गया, वो क्या कर रहा है कि मेरा ये अकाउंट लोगों को दिखाई नहीं देता है, शेडो बैन कहते हैं इसको। तो एक्स ने कर रखा है, चूंकि मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ। मेरा दावा है कि ट्विटर पे कम से कम फॉलो करने वालों की संख्या मेरी 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही 52,000 होती है, घट के वो 51,000 और 50,000 पर जाती है। मैं ये चेक करने जाना हूँ, चाहता हूँ कि क्या वाकई में आप सब लोग अगर ट्विटर पर मुझे फॉलो करते हैं, एक्स पे फॉलो करते हैं, तो संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मैं ये एग्जामिन कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्स पे को एक लीगल नोटिस भिजवाऊंगा कि मैंने क्या सरकार से सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह है कि आपने मुझे शेडो बैन कर रखा है, मेरे ट्वीट लोगों को दिखाई नहीं देते। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये, जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसको आज आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ट्विटर पर अगर आप हैं, एक्स पे आप हैं, तो मेरे अकाउंट को फॉलो करिएगा। मैं ट्विटर पर बहुत सारी घटनाएं डालता रहता हूँ, जो ताज़ा घटनाक्रम होता है, मेरी राय आती रहती है। ये दूसरा जो आईडी देख रहे हैं आप, ये 4PM न्यूज नेटवर्क की है। इस पर तरह तरह की जो खबरें लेटेस्ट होती हैं वो आती रहती हैं। तो आपसे दोनों से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों आईडी को आप आज ही ट्विटर को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये जो आप फेसबुक देख रहे हैं, ये 4PM न्यूज नेटवर्क का फेसबुक अकाउंट है, आपसे रिक्वेस्ट है इसको भी करिएगा। और ये जो इंस्टाग्राम देख रहे हैं आप, ये मेरा व्यक्तिगत इंस्टाग्राम है, और ये दूसरा जो इंस्टाग्राम आ रहा है, ये इंस्टाग्राम 4PM न्यूज नेटवर्क का है। तो आज मैं आपसे थोड़ा सोशल, अपने जो ग्रुप हैं उनमें एक्टिव होने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इन सबको आप प्लीज फॉलो कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपने किया या नहीं किया। मैसेज में मैं देखता रहूंगा आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको दिया रहेगा। बहुत टाइम ही लगा रहा हूँ, बस दोनों पुनः आपसे ये निवेदन, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सुनने से पहले, क्योंकि बहुत मजेदार बातें होनी है। चलते हैं सीधे राजीव जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण शर्मा जी आपका। मुझे कभी कभी लगता है कि YouTube की दुनिया भी कितनी अच्छी होती है, कितने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है। ये एक किताब मेरे को मिली, किताब का नाम है अराउंड द वर्ल्ड विद फोर समोसा, और ये प्रवेश जैन जी हैं, उन्होंने लिखी है। अगर YouTube नहीं होता तो मेरी शायद प्रवेश जैन जी से मुलाकात नहीं होती। एक बड़े उद्योगपति हैं, किताब अमेजोन पर उपलब्ध है, एक बड़े उद्योगपति, काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बिजनेसमैन होता है, तो वो क्या करता है, वो हर समय 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 इसमें जुटा रहता है। तो YouTube के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई प्रवेश जैन जी से। फिर पता चला कि ये 26 सालों से लगभग 100 एक वृद्धावस्था आश्रम चलाते हैं। 100 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है,
और पिछले कई सालों से 10-12 सालों से लगातार वो उनके आश्रम में रहते हैं और कोई कोई एक पैसा चंदा नहीं लेते, किसी का कोई डोनेशन नहीं लेते। प्रवेश सेन जी जो कमाई करते हैं अपनी इंडस्ट्री से, उससे वो आश्रम चलाते हैं, वृद्धावस्था आश्रम चलाते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे रहते हैं। उनके लेख देश के बड़े बड़े अखबारों में छपते रहते हैं और एक बड़ी शानदार किताब, मुझे इस किताब को आपसे बात करते हुए मुझे इस संदर्भ में याद आया कि अराउंड द वर्ल्ड विद फोर समोसा, क्योंकि ये किताब भी एक इंजीनियर की कहानी है। आप भी पेशे से इंजीनियर हैं और ये इंजीनियर की कहानी है। मुझे कोई बता भी रहा था इस किताब के बारे में, हाँ किसी ने जिक्र किया था कि राजीव जी आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, तो मैं मौका लगेगा तो मैं मंगा के जरूर पढ़ूंगा इसको। राजीव जी कुछ लोग कैसे होते हैं, मतलब इनके भी कुछ ग्रह होते हैं कि आदमी इतना बड़ा उद्योगपति इंडस्ट्री चला रहा है लेकिन संग में एक वृद्धावस्था आश्रम चला रहा है, जो लोग किसी के नहीं है, इनके फैमिली ने छोड़ दिया बिना किसी से, एक रुपया वो किसी से आश्रम उन्होंने चंदा नहीं लिया, किसी ने सहयोग नहीं दिया कि एनजीओ अपने पैसे से 180-90-100 ऐसे बुजुर्गों को पालना पोलना। तो क्या ये भी एक जन्म पत्री में जन्म स्थान में कोई ग्रह होता है कि आप बिजनेसमैन हो गए तब भी आपको ऐसे काम करने हैं, और आर्टिकल देश के बड़े बड़े अखबारों के आर्टिकल भी छपते रहते हैं, प्रवेश जी बहुत शानदार आदमी है, तो क्या ये जन्म जब आदमी लेता है तो क्या ये भी कोई ग्रह होता है कि आप ऐसे समाज सेवा करोगे ऐसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे वेदों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो है पुरुषार्थ कहे गए, ये डॉक्ट्राइन है, मतलब आपकी सारी वर्किंग को, एंटायर ह्यूमन बर्थ को चार मतलब क्लासिफाई किया गया है चार कैटेगरी में। तो इसमें वो कहते हैं धर्म के आधार पर अर्थ कमाइए, उसका भोग कीजिए और फिर उसके बाद मोक्ष के लिए आप प्रयास कीजिए। मोक्ष का मतलब ये होता है मोह का क्षय। आपको बताते हैं मरने के बाद मोक्ष किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं ना हमारे यार मरने के बाद हमारा दोबारा जन्म नहीं, अरे भैया किसने देखा यार, दरअसल जीते जी ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। जो जो आप जिन जैन साहब की बात कर रहे हैं, इनके ये कार्य बेसिकली जीते जी अपने जीवन काल में ही मोक्ष पाने वाले कार्य हैं, क्योंकि मोक्ष का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए दर्शक आपके समझें, मोह प्लस क्षय, मतलब जहां पर अटैचमेंट का लॉस होता हो वो मोह कहा गया है। तो अटैचमेंट क्या है, एक उद्योगपति बहुत पैसे कमा रहा है और वो दौलत इकट्ठी कर रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, ऐशो आराम कर रहा है, बच्चों पे लुटा रहा है, जैसे मुकेश अंबानी जी का हाल है कि उन्होंने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, पूरा एक ही मीडिया दिखाई दे रहा है, ना बेटा ना बेटी की धूम, वो बेटा भी चल नहीं पा रहा है, इतना हेल्थ की उसको बहुत इश्यू है उस लड़के को। तो खैर हम विषय पे आते हैं, तो जहां पर जो आदमी जीते जी अपनी इस माया से को कमा तो रहा है वो, क्योंकि उसके साथ जो एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं भाई, देखिए वो दरअसल वो ये भी बहुत बड़ा धर्म का कार्य होता है कि आप अपने साथ अपने 10 लोगों को रोजगार दीजिएगा। उद्योगपति जो बिजनेसमैन थे बेसिकली उनकी एक तरह की समाज सेवा भी होती है, क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। ठीक बात है, ये कॉरपोरेट के लोग होंगे बिजनेस करेंगे तो 10-20-50-100 लोगों, तो वो व्यक्ति देखिए पैसा कमाने के साथ साथ ये इस तरह के वृद्धाश्रम चलाना और ये सब कार्य कर रहा है, तो ये जीते जी मोक्ष पाने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो उसका मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बता देता हूँ। शंकराचार्य जी ने जो आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो चार जो है क्या नाम है स्टेप्स बताए थे, उसमें एक वैराग्य आता है। तो ये वैराग्य का सिंपल भाई जो आपका डिटैचमेंट होती है, डिटैचमेंट का मतलब कब होता है, हिंदी में वैराग्य कहते हैं, मतलब राग का विपरीत। राग होता है अटैचमेंट कि वो अपना दौलत अपने लिए रखें, तो ये जैन साहब ये जीते जी मोक्ष का कारक बन रहे हैं, उनको जीते जी मोक्ष मिलेगा। और जो ज्योतिष की आपने बात की, तो आपको बता दे तो मोक्ष का घर हमारे ज्योतिष में 12वां घर माना गया है। 12वां घर देखिए, मजे की बात देखिए, 12वां घर जेल जाने का भी है, 12वां घर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे का भी है, 12वां घर अस्पताल में जाने का भी है। तो मैं आपको बहुत बड़ी आप एक रिसर्च बता रहा हूँ, मेरी अपनी काउंसलिंग की एक यूएसपी है, यूएसपी समझते ना कि मेरी एक पूरी स्टाइल बन चुकी है। जब मैं किसी व्यक्ति का 12वां घर देख लेता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया देख, तेरे पास जो तूने जमा रखा है या तो चोरी हो जाएगा, या तू जेल जाने वाला है, या अस्पताल में भर्ती होने वाला है। तो उस घर का एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है, वो है दान। दान आप समय पर आप दान करते रहिए तो आपकी वो सांसारिक जो पीड़ाएं जितनी गिनाई है मैंने वो नहीं होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर दर्शकों को बताता हूँ, हमने इस तरह के उपाय बताते हैं, ये जो कंठी माला पहनाना, अंगूठी नग पहनाना, ये उपाय कोई नहीं काम करते हैं। हमारे ऋषियों ने ज्योतिष में साक्षात ये कहा है, कर्मों के
ग्रहों से आशीर्वाद लेने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय कहा गया है, एक तो परमात्मा के शरण में हमेशा रहना चाहिए, मतलब जप और सेवा। आप देखिए एंटायर सिखिज्म जो है, सिख धर्म जो है, पूरा इसी सेवा भाव पर टिका हुआ है। आप सिखों में देखिए कहीं भी दुनिया में कोई क्राइसिस आ जाए वो लंगर लगाने पहुंच जाते हैं। कोरोना में अरे कोरोना तो कोरोना, यूक्रेन और रशिया का जब वार शुरू हुआ था, जो यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंच गए वो विदेशों में, आपके जो कोई विदेश मंत्री जब पहुंचे थे वो वहां सिखों के गुरुद्वारे में रहे हैं, वहां पर बॉर्डर पर जहां फाइट हो रही थी। तो ये जो जैन साहब कर रहे हैं ये बेसिकली एक प्रकृति का नियम है, हमको ये मानना चाहिए। हम जब मनुष्य कहते हैं हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, मिट्टी से बने हैं, बाद में मिट्टी बन जाते हैं हम, सत्य है जीवन का। तो आप देखिए प्रकृति का हर हिस्से को आप एनालाइज कीजिएगा, सूर्य आपको करोड़ों साल से रोशनी दे रहा है, उसका कोई चार्ज आता है, आपका बिल आता नहीं। इंद्र देवता पानी बरसा रहे बिना किसी वाटर बिल के, वो इसी तरह वायु चल रही है बिना किसी आपके चार्ज के। इसी तरह जितनी भी प्रकृति में आप पेड़ों में पानी दीजिए ना दीजिए, लेकिन वृक्ष बड़े होते हैं, छाया देते हैं, आपको फल देते हैं, आपसे लेना देना नहीं है लेकिन वो आपको फल भी देंगे। और इसी तरह जितने भी बर्ड्स हैं, नाना प्रकार की चिड़ियां वगैरह, ये भी आपका मनोरंजन करती रहती हैं, कोई आपसे नहीं मांग रहा। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति का मूल स्वभाव देना है, देना, गिविंग। और इसको इसीलिए, और आपको पता है इसको यज्ञ कहा गया, यज्ञ केवल हवन करना नहीं होता है, यज्ञ जो है, यज्ञ शब्द जो आता है यज्ञ धातु से बना, यज्ञ मतलब देना, ऑफर करना। तो जो जैन साहब कर रहे हैं वो बेसिकली यज्ञ का प्रतीक है, वो यज्ञ कर रहे हैं। ये देखिए यज्ञ मैंने आपको बता दिया ना कि आपका सामाजिक कल्याण के लिए कोई कार्य करना, एनजीओ चलाना, ये सर्वोत्तम यज्ञ है मानव का जीते जी। तो इसी तरह से, और देवता का शाब्दिक अर्थ भी बता दे, देवता कोई बड़े बड़े महंगे गहने पहनने वाले नहीं होते थे, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ही बता दिए थे, देवता और राक्षस दरअसल ही हमारे अंदर के गुणों के आधार पर हम देवता बनते हैं और राक्षस बनते हैं। और देवता का अर्थ अब जैसे आप उसको ही देख लीजिएगा, मैं बात ही बात में निकल के आई है तो मुझे ये भी शेयर करना है। अब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को जिस तरह की भाषा, जो ट्रोल आर्मी लगी होगी, मतलब जो अलग अलग सोशल मीडिया पर अटैक हो रहे थे, कितना सुंदर उदाहरण दिया, अमित शाह मोदी भाजपा संघ को प्रेरणा लेनी चाहिए राहुल गांधी से, कि राहुल गांधी दरअसल एक संत है, पॉलिटिशियन तो वो है ही, उसके परिवार में आप देखिए एक उसको जो संस्कार मिले हैं उसकी कुंडली में भी है। मैंने हमेशा ही कहा है कि राहुल गांधी की जो कुंडली मैंने आप लोगों को दिखाई है, कि राहुल गांधी की ये कुंडली है, ये देखिए राहुल गांधी का 19 जून 1970 का जन्म है, बृहस्पति लगन में बैठे हैं, सूर्य उसके नौवें घर में बैठा, दया करुणा के भाव में। तो जो दया करुणा का भाव जो होता है, जब तक आपके अंदर दया करुणा का भाव नहीं होता, तो ज्योतिष के सिद्धांत बता रहा हूँ, जो जैन साहब वाले उदाहरण बता दिए, इसी से एक सब्जेक्ट क्लियर कवर होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर दया करुणा नैतिकता एथिक्स और मॉरलिटी नहीं होगी वो कभी एनजीओ का काम ही नहीं कर सकता। तो सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि वो, क्योंकि सब धर्म का सर्वोत्तम हाउस जो है धर्म का माना गया है। धर्म के जो तीन त्रिकोण कहे गए हैं, चार प्रसाद होते हैं, लगन, पांचवा घर और नौवा घर, ये जो है धर्म के हाउस होते हैं। तो लगन से उत्तम पांचवा, पांचवें से उत्तम नौवा, ये धर्म के श्रेष्ठतम हाउस है। इसी तरह का अर्थ होता है, अर्थ पैसा कैसे कमाया जाता है, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस और आपका जो है सिक्स हाउस, ये पैसा कमाने के, सेकेंड हाउस आपका क्या नाम, फोर्थ, सेकेंड हाउस, सिक्स हाउस और टेंथ हाउस, ये आपके पैसे कमाने के हैं। और काम त्रिकोण कहे गए हैं 3, 7 और 11 हाउस डिजायर के माने गए हैं, सांसारिक भोगों के माने गए हैं। और जो मोक्ष के घर माने गए हैं संजय जी, वो माने गए हैं, आप देखिए पांचवा मैंने आपको बताया धर्म के अर्थ जो माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चौथा और आठवां और बारहवां घर, ये मोक्ष कार मोक्ष के घर माने गए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो जैन साहब कर रहे हैं वो बेसिकली देवताओं वाला गुणगान, देवता का अर्थ शाब्दिक अर्थ है देने वाला, जो देता है, क्योंकि सूर्य देता है ना, इसीलिए देवता कहा गया। आपको पता है वृक्ष भी देता है, इसीलिए हमारे यहाँ आदिवासी लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, करते हैं ना, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, कोई देवी हमें तो वो क्या, प्रत्यक्ष कोई हमको फल मिल रहा है नहीं मिल रहा हमें नहीं पता, लेकिन सृष्टि को वो दे रहे हैं इसलिए पूजा की जाती है।
तो ओ गाय 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 माता को भी हम देवता की श्रेणी में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो देती है, जो जो व्यक्ति देता है वो देवता के अर्थ में आता है। तो ये जैन साहब का उदाहरण मैंने आज इसी तरह सब्जेक्ट क्लियर कर दिया। बढ़िया, नौवां घर जागृत नहीं होगा और बारहवां घर नहीं आएगा तो आप कभी भी इस तरह के कार्य कर नहीं सकते हैं। एक छोटी सी उपाय और बताता हूँ दर्शकों के लिए, जो मैं उपाय अक्सर ज्योतिष में काउंसलिंग में बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने आपकी कुंडली में संजय जी देखा कि दुर्घटना हो गए, खून बहने का योग है, तो जानते हो हम लोगों ने, हम लोग क्या उपाय बताते हैं? हम कहते हैं भैया एक यूनिट ब्लड डोनेट करके आ जा। अच्छा, सही बात है, खून तो निकल गया था। दोनों ही सूरत में ब्लड आपका लॉस हो रहा है, एक तरफ चोट लग के पीड़ा हुई और यहाँ पर आपके अंदर एक खुशी की फीलिंग आएगी, मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ। भाई हमको अक्सर लोगों को बताते हैं कि भाई आपकी जेबन में, आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। दो अवस्थाएं मेंटल स्टेट एनालाइज करिएगा। एक अवस्था में कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद मिल गया, उसको 100 रुपए आपने दे दिए, और एक अवस्था ऐसी है कि बाजार में जा रहे थे और जेब काट ली किसी ने, तो जिस समय पॉकेट मार ही गई आपकी, वो 100 रुपए, दोनों सूरत में 100 रुपए नहीं रहे आपके पास में। तो उस समय जो जेब काटी गई उसमें भुनभुनाते हुए आप अपने घर में आओगे और मूड खराब हो जाएगा, मेरे किसी ने जेब मार ली। और अगर आपने जो 100 रुपए किसी को दे दिए तो एक बड़ी सी अंदर से गुडनेस की फीलिंग आती है। क्यों? वो आप बेसिकली आत्मा के दो भोजन माने गए हैं, सेवा और सुमरन। सुमरन कहते हैं रिसाइटेशन, जप करना, और सेवा मतलब ये जो जैन साहब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरा उनको बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी बात, और दर्शकों से कहूंगा किताब मंगाइए, अमेजोन पे है। जरूर इसको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए आज के विषय पे आते हैं, और राजीव जी आप तो धमाल कर देते हैं। आपने पिछले शायद मुझसे 15 दिन पहले शो में या 20 दिन पहले जो हम लोगों ने शो किया था उसमें कहा था कि 12 जुलाई से बीजेपी की स्थितियां खराब होंगी, मोदी जी की स्थिति खराब होंगी। और 12 जुलाई निकली, कल रिजल्ट आए उपचुनाव के, झाड़ू लग गई, 13 में से 11 सीटें विपक्ष ने जीती, 2 सीटें केवल बीजेपी जीत पाई, एक उसमें भी एक सीट केवल 3,000 वोटों से जीती। ममता बनर्जी ने बंगाल की 4 की 4 सीटें 45,000, 50,000, 55,000 इतने मार्जिन से जीती। ये उपचुनाव के नतीजे तब आए हैं जब 2-3 महीने बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, और इन नतीजों ने इंडिया गठबंधन में फिर खुशी की लहर दौड़ा दी है। आपने कहा था कि 12 जुलाई से बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, तो क्या माना जाए कि आज तो आपकी भविष्यवाणी सही ही हुई, और क्या माना जाए कि अब कम से कम शांति पड़ जाएगी, अब और बुरा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं, तो अब शांति रहेगी, या फिर या यूपी में भी कुछ ऐसे नतीजे आएंगे? बहुत अच्छी बात। देखो दर्शकों में ये मैं हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ जो इंडिया एयरलाइंस फॉर्म हुआ था, ये इंडिया एयरलाइंस। तो दर्शकों आपको पता है कि इंडिया एयरलाइंस 18 जुलाई 2023 को मंगलवार का दिन था, 4:20 में बेंगलोर में इसकी घोषणा हुई थी कि जो अनाउंसमेंट होती है वो बर्थ का टाइम है। हमारा आप मेथोडोलॉजी समझ चुके हैं कि घटना कहाँ जन्म ले रही है। तो जो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी थी, शनि इनके चौथे घर में, चौथे घर का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, छठवें घर में राहु और बृहस्पति हैं, और आपके नौवें घर में बुध चंद्र और सूर्य हैं, दसवें घर में मंगल और शुक्र हैं, और केतु इनके बारहवें घर हैं। इस कुंडली में आप देखिए ये जो अभी कल जो रिजल्ट आए हैं उसका परिणाम क्यों है, क्योंकि मंगल ने 12 जुलाई को इस कुंडली में, दर्शक इस कुंडली को आप लगाइएगा, आप अक्सर लगाते ही हैं कि इस कुंडली के गोचर को देखिए, जो आना कल जो 2 दिन पहले 12 जुलाई को मंगल जब राशि बदला था तो इस कुंडली में 7वें घर में चला गया। और मैंने आपको मित्रों, आपको याद हो मैंने लिखा भी था कि मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि 12 जुलाई को जब मंगल राशि बदलेगा तब बीजेपी के लिए अनेक अशुभ समाचार आएंगे, कहा था। तो जो 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद में, जो लोकसभा का चुनाव का परिणाम आए थे 4 जून को, उसके बाद 7 राज्यों के ये उपचुनाव हुए हैं, 13 सीटें, और 13 सीटें में से 10 सीटें जीतना मतलब सोचिए लगभग 90% की सक्सेस रेट है। कोई मोदी ब्रांड नहीं है, कोई इसमें अमित शाह ब्रांड नहीं है, कोई आरएसएस ब्रांड नहीं है, सारे ब्रांड फ्लॉप हो चुके हैं। जो गोदी मीडिया से थोड़ा बहुत, वो गोदी मीडिया तो चापलू से ही नौकर है उनका, तो इसलिए वो पैसा देकर थोड़ी बहुत दिखाता है, अदरवाइज मोदी ब्रांड तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्योंकि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी बताया था
कि मोदी जी ने जहां जहां प्रचार किया, मजे की बात देखिए, मोदी जी ने जहां जहां प्रचार किया 62% सीटों पर बीजेपी हारी है लोकसभा चुनाव में, संजय जी 62% सीटों पर हारी है। और अमित शाह का तो उससे भी ज्यादा खराब रिकॉर्ड है, अमित शाह ने जहां जहां प्रचार किया वह 70% से ऊपर जो है सीटों पर हारी है। तो अब तो मैंने कहीं अभी किसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था संजय जी, जो आने वाले चुनाव है राज्यों के, वहां से बीजेपी की तरफ से मैसेज आया है कृपया करके मोदी जी कोई रैली ना करें हमारे यहाँ। मतलब ये रिपोर्ट आई है कि वहां के लोकल लीडर्स ने कहा है कि बीजेपी मोदी और अमित शाह की रैली से हमें नुकसान होता है और इनको लोग अब नफरत करने लगे हैं, इनके आने से हमारे वोट घट जाते हैं और हम चुनाव हार जाएंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक इतिहास में कोई घटना नहीं घट सकती। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक कैरियर का सबसे खराब दौर चल रहा है। 2001 के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार हंग रिजल्ट लेकर के आए हैं। नरेंद्र मोदी के 96 सिटिंग एमपी हारे हैं, 25 सिटिंग एमपी हारे हैं। ब्रिटेन के ऋषि सुनाक से भी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है मोदी जी का। 62% सीटों पर प्रचार किया, वहां पर हारे हैं। और अभी तो इन सीटों में आप देखिए भगवान भी कैसा दंड दे रहा है, अयोध्या के बाबा बद्रीनाथ की सीट भी हार गए। सही बात है मोदी जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो कृपया करके ये धोती पहन के और ये हिंदू धर्म के प्राखंड को प्रचार करना बंद कर दीजिए। विवेकानंद जी की जो विवेकानंद मेमोरियल में उन्होंने ध्यान किया था उसकी भी फोटो रिलीज हुई है संजय जी, उसमें चश्मा लगाकर मेडिटेशन कर रहे हैं। बता कौन सा आदमी ऐसा बेवकूफ होगा जो चश्मा लगा के मेडिटेशन करेगा। मतलब इस आदमी को हो क्या गया है, पता नहीं इस आदमी को क्या, पता नहीं सनक है क्या, भगवान जाने, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हम तो यही कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का खराब दौर है, इतना कि नरेंद्र मोदी जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है इस देश को। आपके जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों या आपके जो चिराग पासवान हैं या नीतीश कुमार हैं, इनको सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को जितने टाइम आप ढोएंगे अपने कंधों पर उतना आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। एक बहुत अच्छी सी घटना सुना देता हूं, हालांकि मैंने पहले ही कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, उनके अंदर के जो गुण है वो थोड़ा सा राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जिसको भगवान, मैंने नहीं कहा है, भगवान राम ने रामायण काल में कहा और भगवान कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में बकायदा एक्सप्लेन किया, हर प्रोग्राम में मैं एक्सप्लेन करता रहता हूं। तो अब आप बताइए कि जो है एक एक राक्षस हुआ था भस्मासुर, आपने सुना होगा नाम भस्मासुर, तो भगवान भोलेनाथ की उसने तपस्या की और तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो उसका सर्वनाश हो जाए, ठीक है जी। तो अब भगवान शंकर ने दे दिया, तथास्तु, भगवान हमारे भोलेनाथ हैं और भगवान शंकर तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, अब वो उसने कहा भाई यार ये टेस्ट किया जाए भगवान शंकर ने सही में दिया भी है कि नहीं दिया है। तो उसने पहला जो है एक्सपेरिमेंट शंकर जी पे अप्लाई किया, तो अब शंकर जी परेशान, शंकर जी भागने लगे भाई अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि भस्मासुर तो उनके सर पर ही हाथ रख के उनको भस्म करना चाहता था। तो ये बड़ी अच्छी माइथोलॉजिकल पौराणिक कहानी है, लेकिन इसमें एक संदेश है, इसलिए वो संदेश के लिए सुनाने के लिए सुना रहा हूं। तो भस्मासुर ने उसको भी नहीं छोड़ा जिसने वरदान दिया, उसके पीछे लग गया वो। तो फिर भगवान शंकर पहुंचे विष्णु जी के पास कि भाई प्रभु इसको मुझे बताइए, ये भस्मासुर मेरे पीछे लग गया है। तो उस कहानी का ये सार है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और नृत्य करने लगे, डांस करने लगे। तो डांस करते करते ऐसे हाथ गया, जैसे कथक डांस करते ना ऐसे ऐसे, तो भस्मासुर उनकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया था, तो भस्मासुर भी ऐसे ऐसे डांस करने लगे। तो जैसे उसका सर पे हाथ गया वो वहीं भस्म हो गया। तो इस तरह से उस राक्षस का अंत हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी जी का भी लगभग व्यक्तित्व ऐसा ही हो गया कि जिसको वो गले लगाएंगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। बहुत अच्छी किसी ने फोटो भेजी थी कि उन्होंने मुझे किसी फैन ने, मेरे फैन ने, और आग्रह किया था कि राजीव जी इस फोटो को 4 PM के अगले प्रोग्राम में जरूर शेयर कीजिएगा। वो फोटो क्या थी, ऋषि सुनाक को गले लगाते हुए थी और एक तरफ वो मैक्रोन को लगाते हुए थी जो फ्रांस का राष्ट्रपति, दोनों की लुटिया डूब गई है इस समय, फ्रांस में भी ऋषि सुनाक और मोदी जी, जहां जिसको गले लगा लेते हैं वो जिसको बधाई दे दें सोचो उसका तो बेड़ा गर्व हो जाएगा। इमरान खान को जन्मदिन की बधाई दे दी थी इनने, बेचारा वो अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। शुभ शुभ बोलिए, मुकेश अंबानी के यहाँ जाने का प्रोग्राम है था उनका,
अब मुकेश अंबानी के यहाँ गए तो फिर वो बधाई दी, तो वो एक वो साहिर लुधियानवी की नज्म है बहुत बढ़िया, देश आजकल वही गा रहा है, एक शहंशाह ने एक शहंशाह ने बनवा कर हसी ताजमहल, हम मोहब्बत करने वालों की उड़ाई है मजाक, ए मेरे महबूब मुझसे कहीं और मिलाकर। तो एक जिस देश में ये हाल उस समय, एक शहंशाह 5,000 करोड़ की शादी करता है, देश के नौकरशाह, देश के ज्यूडिशरी, जज के जज, पॉलिटिकल लोग सब जाते हैं, राहुल गांधी नहीं जाते वहां पे, गांधी परिवार नहीं जाता वहां पे, क्यों नहीं गया हुआ गांधी परिवार? देखो मैंने इसलिए, देखो गांधी परिवार इसलिए नहीं गया, देखिए दरअसल क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक अच्छा नेता वो नहीं होता, जैसे आपने जैन साहब का उदाहरण दिया था, अच्छा नेता बेसिकली भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, मेरे दर्शक ध्यान से सुने, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो किसी समाज से भी हों, उनको अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए, और आचरण कैसा होगा, देश काल पात्र के हिसाब से। मान लीजिए आपका, अब अंबानी का क्यों क्रिटिसाइज करने वाला ये कार्य है, क्योंकि हमारा देश की मूल आत्मा देखिए, 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, ठीक है। और जैसा आप, कोई मुझे बता रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने जियो ने और एयरटेल ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, अब इस पब्लिक से पैसा लूट रहे हो, उसको पैसे का नंगा नाच कर रहे हो, नंगा नाच है ये बेसिकली। राजीव जी, सोशल मीडिया पे एक मीम चल रहा है, मजाक उड़ा रहे लोग, ये कह रहे हैं कि विजय माल्या में लाख बुराई हो, लेकिन उसने अपने बेटे की शादी के लिए बियर के रेट नहीं बढ़ाए, अंबानी जी ने तो बेटे की शादी के लिए जियो के रेट बढ़ा दिए, ये मीम चल रहा है। वो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि सही मायने में आप भोगी और योगी का अंतर कैसे करेंगे। एक योगी का जो उदाहरण आपने जैन साहब के रूप में शुरुआत में दे दिया था ये, और मुकेश अंबानी का एक भोगी के रूप में है, और आपको दर्शकों को जानकार नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था, भारत का शाब्दिक अर्थ बताया था, भारत का शाब्दिक अर्थ है जो ज्ञान में रत है, मतलब जो हमेशा ज्ञान में रहता है, उस ज्ञान का मतलब मॉडर्न डिग्री नहीं है, उस ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान क्या होता है कि संसार में हमको सब कुछ छोड़ करके जाना है, जब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं है तब तक आप संसार के लिए योगी नहीं कहलाओगे। तो राहुल गांधी के केस में देखिए, वो योगी है, उसने उस बड़े आदमी की शादी को जाने का ना जाने का जो उदाहरण दिया है, वो भगवान कृष्ण उसको वैलिडेट करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, चाहे वो समाज से भी हो, उद्योगपति हो या राजा हो, उसको ऐसा आचरण करना चाहिए जो कि समाज के बाकी वर्गों के लिए अनुसरणीय हो, जिसको उसको फॉलो करें लोग, क्योंकि अगर आप देखिए आप ऐसा पैसे का बर्बादी करेंगे, इसमें कितने हजारों लोगों का परिवार पल सकता था। अब आप बताइए कि जितने भी हमारे पिछले 10 सालों में जो प्राकृतिक विपदाएं आई हैं या हमारे आंदोलन हुए हैं, नरेंद्र मोदी तो संवेदनहीन है ही, वो तो सभी लोग जानते हैं, वो कभी किसी के घर में नहीं जाते हैं, कभी किसी को गले नहीं लगाते हैं, कोई भी बता दे नरेंद्र मोदी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के अलावा किसी को गले लगाते हुए, अपने भाजपा में किसी को नहीं लगाते, कभी गडकरी के साथ कोई फोटो देखी है आपने, राजनाथ के साथ देखी है, नड्डा के साथ देखी है क्या आपने, शिवराज सिंह चौहान के साथ देखी है कोई फोटो जप्पी मारते हुए मोदी जी के, नहीं। जबकि आप देखिए राहुल गांधी ने हाथरस की घटना घटी तो वहां पर वो देखो मिल के आया जो 121 लोग मारे गए थे, उसके बाद मणिपुर 3 बार चक्कर लगा चुके हैं। मैं एक बहुत अच्छी खूबी राहुल इनकी नेहरू गांधी परिवार की बताता हूँ। मैं जब छोटा था, स्टूडेंट था संजय जी, तो मेरा जन्म स्थान मैंने आपको बताया फिरोजाबाद, मेरा जन्म का जिला है। तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और उस दौरान एक क्या नाम साड़ूपुर करके गांव था फिरोजाबाद जिले का, उसमें 16-17 दलितों की हत्या कर दी थी छविराम गैंग ने, छविराम डाकू हुआ करता था। उस छविराम, वो जब 16-17 दलितों की हत्या कर दी, तो उस दौरान इंदिरा गांधी, हमें याद है, वहां पर हवाई जहाज से आई थी और उस गांव में मिलने गई थी, और आपने वे विचित्रता देखी हो, राहुल गांधी, प्रियंका और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तो हमने देखा है ये गरीब से गरीब आदमी को गले लगा लेते हैं। तो आपको बता दें ज्योतिष का एक कारण ये भी होता है, आपको आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम ज्योतिष का ही है, अगर आपका 5वां घर और लगन और 9वां घर पीड़ित है, मतलब पाप ग्रहों के प्रभाव में, तो आपके अंदर कभी दया करुणा नहीं होगी, कभी आप ऐसे कार्य नहीं करोगे, भोगी होगे, मुकेश अंबानी का ऐसा ही घर होगा,
ऐसी कुंडली ऐसी खराब होगी। ठीक है, संसारिक सफलता के लिए सातवां घर, दसवां घर और ग्यारहवां घर है तो उसको उसने बहुत मौज करी है, लेकिन वो बेसिकली समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाला नहीं है। क्योंकि इस मुकेश अंबानी ने जो किसानों का आंदोलन एक साल से ज्यादा चला, वहां पर कोई इसमें सिंपैथी दिखाई? और तो और उसकी शादी में नाचने वाले फिल्म स्टारों का भी आप नाम ले लीजिए, उनको भी देखिए, वो भोगी लोग वहां नाच रहे हैं। राजा महाराजाओं के पहले वैसे नट के रूप में, भाड़ के रूप में नाचा करते थे लोग, लेकिन उन जो अक्षय कुमार और जितने भी नाम से जो एक्टर हैं, उन्होंने भी कभी किसानों के प्रति, महिला जो खिलाड़ियों के प्रति जो अन्याय हुआ था, जितने छात्र आंदोलन हुए, अभी जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी भी इन सामाजिक विषयों पर कभी इनको टिप्पणी करके करते देखा है? मुकेश अंबानी से लेकर उनके चमचों को ना, लेकिन ये भोगी हैं। चलिए, ये देश की मैं मूल आत्मा बता देता हूं, जो मैंने कहा ज्ञान में रहने वाला आत्मज्ञान से कहा गया है। तो आपको पता है भारत का जो फिलॉसफी है वो भोग से योग की तरफ है। दर्शक सुन ले, भोग से योग की तरफ। और ये क्रिश्चियनिटी और दूसरे जो पंथ हैं वो बेसिकली भोग की फिलॉसफी लेके चले हैं, इसीलिए हर चीज का वो शोषण करते हैं। जैसे वो कहते हैं पानी हमारे यूज के लिए बना है, ट्रीज हमारे यूज के लिए बना, उसको काट करके वो फर्नीचर बनाएंगे और कमर्शियलाइजेशन कर देंगे, हर चीज में उनका कमर्शियल एंगल होता है। नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल, मैं आपका विरोध कर प्रतिरोध करूंगा इस बात के लिए। क्या हिंदू धर्म में लोग, हिंदू लोग लकड़ी नहीं काटते? क्रिश्चियन लोगों को आप कह रहे हैं, हिंदू लोग भी तो लकड़ी काटते हैं, पेड़ काटते हैं। इस देश की आबादी में तो 90% से ज्यादा, मतलब इतनी प्रतिशत हिंदू हैं, तो हिंदू पेड़ क्यों नहीं काटते? तो किसी धर्म को कैसे कहते हैं क्रिश्चियन धर्म? क्रिश्चियन धर्म में तो मुझे लगता है कि राजीव जी, मैंने तो उनके अंदर सेवा भाव बहुत देखा है। आप देखो कि हमने तो यहाँ देखा है बीजेपी के और संघ के लोग बड़ा ईसाई मिशनरी को गाली देते हैं, अपने बच्चे पढ़ाएंगे वो ईसाई मिशनरी में पढ़ाएंगे, कि जो लोरेटो है, जो लामार्ट स्कूल है, इसमें एडमिशन के लिए बड़े बड़े भाजपाई और संघी के लोग परेशान रहते हैं हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। जो नर्सेज होंगी वो देखो वो क्रिश्चियन होंगी, क्योंकि उदारता सेवा भाव सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने सॉरी आपकी बात काटी बीच में। नहीं नहीं, वो देखिए सेवा भाव तो होता है, सेवा भाव अलग है, लेकिन मैं आपको बताना, होल वर्ल्ड इस समय देखिए आर्म्स रेस में फंसा हुआ है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध 2 साल से चल रहा है, किसी ने कोशिश की उसको डिफ्यूज करने की, उसको कंप्रोमाइज करना ना, क्योंकि अमेरिका का और बाकी देशों का हथियार बेचने का इंटरेस्ट है। तो इसलिए आप ये देखिए कि सबको सोचना पड़ेगा कि हम जा किस तरफ, ये बात नहीं, अपवाद सब जगह होते हैं। अपवाद, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे हिंदूज का जो सबसे बड़ा जो हिंदू धर्म था, वो शब्द ही गलत है, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था, हिंदू शब्द दरअसल मुसलमानों का दिया हुआ है, हम वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म को हमने पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, जिसके कारण उसके उसका मूल सार नहीं हमको पता लगा है। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी, मैं एक चीज मुझे मजा याद आई, आपने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, तो आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो पूरी बीजेपी फैल गई थी उनके ऊपर कि देखो ये पापी आदमी, ये कैसे कह रहा है हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो मुझे, आप कह दो आप ब्राह्मण हो, ज्योतिषाचार्य हो, आप कह दो कि हिंदू धर्म नहीं है, तो आपको 100 खून माफ है। और कोई दूसरा व्यक्ति हो, खासतौर पर विपक्ष का व्यक्ति, कहते कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक परंपरा है, तो उस पर सब लोग सवार हो जाएंगे। ये तो अन्याय है। तो आपको बताया, ये आपकी पुस्तक दिखाई थी, ये पुस्तक लोग अपने घर में खरीदे, हिंदुत्व ए वे ऑफ लाइफ, किसकी लिखी हुई है ये देखिए, सुरुचि प्रकाशन की किताब है, ये सुरुचि प्रकाशन है। हाँ, और आपको ये किताब नहीं लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और 1994 में आया था, 1994 में, ठीक आज से 30 साल पहले, और आपका 30 साल पहले आया। तो मैं अभी इस विषय पे आऊंगा, लेकिन मैं अपना वो प्रोग्राम खत्म कर लूं। ये जो विषय था हमारा इंडिया एयरलाइंस का, तो मैंने कहा इंडिया एयरलाइंस की घोषणा 18 जुलाई 2023 को हुई थी 4:20 पर। वर्तमान में इनकी दशा बहुत अच्छी, भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ आज, वर्तमान में इनकी दशा शनि शुक्र शनि की चल रही है। शनि इनके सिंहासन के भाव, मतलब चौथे भाव में वह है, और लग्नेश मंगल शुक्र सत्ता के भाव में, दसवें भाव में बैठे हैं। सत्ता का भाव 10th हाउस होता है। सिर्फ 2 दिन पहले मंगल इनके जब सातवें भाव में आया, 7th हाउस में आ गया मंगल, अभी गोचर में, वृश्चिक लग्न में, जहां इनका पांचवें घर का स्वामी गुरु है, इस मंगल ने लगन पर दृष्टि दी, और साथ ही दसवें भाव में स्थित जन्म के मंगल और शुक्र पर भी दृष्टि दी है। तो कभी भी अच्छी घटना तब घटती है जब जन्म के ग्रह प्रभावित हों ट्रांजिट के प्लेनेट से। तो दृष्टि शुक्र को भी दृष्टि से प्रभावित किया, परिणाम आपके सामने है, कल के रिजल्ट
इस मंगल का गोचर 45 दिन का होने वाला है संजय जी, 45 डेज रहता मंगल एक राशि में। इंडिया एयरलाइंस आने वाले इन दिनों में मोदी शाह भाजपा का संसद और संसद के बाहर सड़कों पर बुरी तरह हावी होगा और इनके साथ विपक्ष के अन्य दलों के साथ गठबंधन का भी योग बन रहा है। इंडिया एयरलाइंस का एक्सपेंशन होने का टाइम है और जो दल हैं वो इनके साथ जुड़ने जा रहे हैं मंगल के कारण, क्योंकि इनका लगन मजबूत हो गया ना। टॉरस राशि में मंगल आया 12 जुलाई को, तो वृश्चिक लगन को देख रहा है, लगन को मजबूत कर रहा है। इनके दसवें घर में मंगल था, अन्य दलों के साथ गठबंधन का योग बना जो इन्हें सत्ता के करीब पहुंचाएगा। अब आप बताइए संजय जी, गोदी मीडिया से लेकर के याद करिए अपने जून जुलाई के सारे प्रोग्राम को, राइट ऑफ कर दिया था इंडिया एयरलाइंस को आपके गोदी मीडिया ने कि खत्म है। जब नीतीश कुमार को जब तोड़ा गया था तब तो बिल्कुल गोदी मीडिया लग गया, अब तो खत्म हो गया, बेदम हो गया फलाना। आज सोचे एक निर्दलीय भी शामिल हो गया, 236 तो एमपीज हैं अभी, और ये अभी ये जो रिजल्ट आए, अब राजनीतिक माहौल क्या होगा कि भाई देखो 90% सक्सेस रेट आपकी सिर्फ एक महीने में, अभी 4 जून को निकले हुए एक महीना हुआ है। इसका अर्थ ये है, अभी से भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं कि इंडिया एयरलाइंस आने वाले अक्टूबर नवंबर के राज्यों के चुनाव में क्लीन स्वीप करेगा। हरियाणा महाराष्ट्र, हाँ मैं आपको बता रहा, 300 जगह पर 300 राज्यों में चुनाव हो, मैं तो इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, 300 में चुनाव हो, वहां पर इंडिया एलायंस बिल्कुल मोदी अमित शाह भाजपा संघ का सूपला साफ कर देगा। दुर्गति होने वाली है और दुर्गति होने का कई सारे कारण है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा, आपने एक घटना और घटी थी संजय जी, अरविंद केजरीवाल। हाँ मैं पूछने जा रहा था आपसे, एक मिनट पहले इस पे एक सवाल पूछ लूं। एक बड़े गंभीर पत्रकार हैं और मैं उनके पॉलिटिकल जो उनकी जानकारी है और जो उनका आकलन है उसका बड़ा कायल हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी ये भी संभावना है कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हार गए, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये चर्चा हो जाएगी कि मोदी जी का चेहरा जिताने वाला रहा नहीं, झारखंड भी हारने के कगार पर है। तो बोले संभावना हो सकती है अगर ये तीन राज्य हार गए तो मोदी जी खुद इस्तीफा दे के संन्यास ले लें, क्या इसमें कोई संभावना देखते हैं आप? और आज मुझे 5 मिनट प्रोग्राम बड़ा हो जाए कोई बात, मैं इस विषय को जरूर बोलने वाला हूँ। तो सुनिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल की बहुत अच्छे, आप पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के परिवार के लिए, देखिए लगातार जब इनको पहले वो इंटरिम बेल मिली थी चुनाव से प्रचार से पहले, तब भी हनुमान जी ने मेरे जरिए ही वो बात कहलवा दी थी और वो उनको मिली थी, उन्होंने आपके प्रोग्राम में शायद मेरा नाम भी लिया केजरीवाल जी ने कहा था। उसके बाद अगर काश जो उनके लोगों ने जिन्होंने मुझे संपर्क किया था, काश वो मेरी बात मान लेते, अगर वो अपील उस समय पीरियड करते तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, क्योंकि होता ना कि ज्योतिष का सब लोगों को इतना भरोसा नहीं हो पाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, मेरा ट्वीट दिखाइएगा कि क्या कोई देश में ऐसा ज्योतिषी या किसी भी प्रोफेशन में कोई आदमी ऐसा है संजय जी जो रेजर शार्प तरीके से प्रेडिक्शन कर सके, मतलब गर्दन कटने का पूरा पूरा जुगाड़ है और मैं ऐसे पंगे लेता रहता हूं, और कौन कर रहा है, ये हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है। बंबई से किसी एक फैन ने मुझे फोन किया, मैसेज किया था, राजीव जी आज आपका वो आपकी परीक्षा है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला, 12 जुलाई की बात बता रहा हूँ, सुबह सुबह, तो बोले कुछ बताइए। मैंने कहा मैं 4 PM के प्रोग्राम में बता तो चुका हूँ, बेल मिल जाएगी उसको। बोले नहीं नहीं आज का एक ट्वीट बनता है, तो मैंने ठीक है अभी लीजिए, तो ट्वीट दर्शकों को दिखाईगा, मैं आपको भेजूंगा। संजय जी 10:10 पर सुप्रीम कोर्ट खुलता तो नहीं है उस समय, सुप्रीम कोर्ट को 10:30 के बाद ही खुलेगा, 10:10 पर दर्शक देखिएगा, मैंने ट्वीट किया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर अरविंद केजरीवाल का आएगा उसमें अरविंद के और ग्रहों का कारण भी दिया है कि उनका भाग्येश जो है मंगल, जो भाग्येश और न्याय का कारक जो हमारी व्यक्तिगत कुंडली में 9वें घर का होता है, भाग्य स्थान और न्याय जो हमको मिलेगा वो 9वां घर होता है, उसका स्वामी इनके 10वें घर में जा रहा है, 10वां घर होता है कर्म का, और वो 4थे घर को देखेगा, 4थे घर में इनकी वृश्चिक राशि है जो उसकी मंगल की खुद की राशि है। तो मैंने उसमें लिखा कि 4थे घर में मतलब घर के सुख को जागृत कर रहा है अरविंद केजरीवाल को रिलीफ मिल जाएगी। भाई साहब 30-40 मिनट बाद जजमेंट आया है, आप सोचो सोशल मीडिया कितना खतरनाक प्लेटफॉर्म है, पूरे जूते पड़ने का जुगाड़ होता, अगर आपकी भविष्यवाणी गलत हो जाती तो जितना आप साल भर से मेहनत कर रहे एकदम से जीरो हो जाओगे, आप सोचो।
वो सांप सीढ़ी का खेल नहीं होता था, हम बचपन में खेलते थे, वो सीढ़ी तक पहुंचे, ऊपर सांप ने काटा तो नीचे गिरे सीधे जाके। तो मैं अरविंद केजरीवाल की ये कुंडली दिखा रहा हूँ दर्शकों के देखने के लिए, ये अरविंद केजरीवाल की कुंडली है, और हमने पहले भी चर्चा की अरविंद केजरीवाल का 16 अगस्त 1968 का जन्म है, और अरविंद केजरीवाल के लिए आगे आने वाले समय, इनकी वर्तमान में दशा शनि की चल रही है, जो कुछ दिन पहले वक्री हो गए, 15 नवंबर को मार गए होंगे। अभी दो दिन पहले इन्हें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इनको रेगुलर इंटरिम बेल मिलेगी। ये घटना ठीक 12 जुलाई को इसलिए घटी क्योंकि मंगल इनका भाग्य से और जुडिशरी यानी न्याय का कारक है। जब इस दिन ये इनके पावर अथॉरिटी के 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहा था, उसी दिन इनको रिलीफ मिली। अब मैं आपको एक बहुत बात बताने वाला हूं कि 14 जुलाई, दर्शक नोट कर लें, 14 जुलाई से आने वाली 14 जुलाई, आज तो 13 है, वो मतलब क्या नाम है, 14 ही है, आज ही से संजय जी अरविंद केजरीवाल की सूक्ष्म दशा मंगल की शुरू हो रही है। तो जो भी अगला पेंडिंग मैटर है सीबीआई का पेंडिंग, शायद कोई 17 जुलाई लगी हुई है, तो 14 जुलाई से 11 सितंबर के बीच में ग्रहों का गोचर सूक्ष्म दशाओं के आधार पर संकेत दे रहा है कि इनको ईडी का केस फर्जी साबित होगा, इनको सीबीआई केस में भी बेल मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल घर आने वाले हैं, और एक और जानकारी बता देता हूं, बीजेपी के लिए सांप लौट जाएंगे, जितने मर्जी बीजेपी कोशिश कर ले दिल्ली इनको नहीं मिलने वाली है। 12 सितंबर 2024, अरविंद केजरीवाल की कुंडली की चर्चा कर रहा हूं मैं, 12 सितंबर 2024 को से 15 फरवरी 2025 तक, फरवरी में चुनाव होते हैं आपके दिल्ली के, याद रखिएगा, इनकी बुध की अंतर्दशा शुरू होगी, और बुध इनके लगन में बैठा है, सारे शुभ ग्रह इनके लगन में हैं, इनकी जबरदस्त वापसी होगी दिल्ली के उपचुनावों में, और ये फिर से सत्ता में आएंगे और बीजेपी का सपना खत्म हो जाएगा। अरे गजब, आपने भविष्यवाणी करी है, दिल्ली की करी है, तो मैं अगले संडे का एक सवाल अभी से मैं एडवांस से पूछ लेता हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो अभी 7 दिन का टाइम है आपसे, अगले संडे को ये सवाल पूछूंगा कि क्या जरूर पूछेगा। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, लेकिन अब मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या अगर ये 3 राज्य हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड हार जाते हैं तो क्या आपको लगता है राजनीति में नरेंद्र मोदी राजनीति से इस्तीफा देकर क्या संन्यास ले सकते हैं, ये मैं बात में, इसके लिए संजय जी मैं 3 कुंडली दिखाऊंगा आज इस आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। ये तो है बीजेपी की जन्म कुंडली, दर्शक देख लें, ठीक है थोड़ी बहुत आवाज खड़खड़ आएगी तो दर्शक उसको बियर कर लेंगे, ठीक है, और ये आपकी 2 कुंडली और है बीजेपी की, इसमें सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। ये है मोदी जी की शपथ वाली कुंडली, मोदी जी ने शपथ जो ली थी, ठीक है, और ये है बीजेपी का वर्षफल, ये बीजेपी का वर्षफल है, ठीक है जी, ठीक है। 3 कुंडली में बता रहा हूं, 3 कुंडली के आधार पर भाजपा का भविष्य प्रेडिक्ट करने में जा रहा हूं दर्शकों, मंगल का गोचर जो 12 जुलाई को बदला है, और भाजपा का भविष्य, मैंने हेडिंग राइटअप पॉइंट्स बना लिए थे, भाजपा की जन्म कुंडली में ये 12वें भाव में प्रवेश कर गया है, मंगल इनकी कुंडली में झगड़े के भाव का लॉर्ड है, और सहयोगियों के 3rd हाउस में वक्री शनि राहु से पीड़ित है, जन्म की कुंडली में सहयोगियों का जो घर होता है एलाइस का, वो 3रा घर होता है, 7वां घर गठबंधन का होता है, किसी को भी कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 3रा घर एलाइस का, 7वां घर कॉन्ट्रैक्ट गठबंधन का, शादी का होता, मैरिज हनीमून भी कहते हैं उसको, शनि राहु से पीड़ित है, जिनका इनका मंगल बहुत पीड़ित है, गोचर के इस मंगल की दृष्टि 7वें भाव यानी गठबंधन पर पड़ रही है, जो 12 जुलाई को बदला है, इनका 4 जून के बाद हुए एनडीए का हनीमून टूटने जा रहा है, समझ में आ गए, गठबंधन में कोई दरार पड़ने वाले, चाहे नीतीश हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, या मांझी हो, या कोई भी हो, ये मंगल की दृष्टि 7वें घर पे जा रही है, इसका मतलब गठबंधन टूटने जा रहा है, सरकार गिरने का संकेत है, इसलिए बता आपको चैलेंजिंग भविष्य का। कौन सा टाइम बताया आपने, ये 12 जुलाई से योग बन गया, शुरू हो गया है, ठीक है, आगे बता रहा हूं, बिखर मतलब हनीमून टूटने का, गठबंधन बिखरने का योग बन रहा है, जिसका प्रभाव 90 दिन तक रहेगा, 90 डेज तक, क्यों, बीजेपी की कुंडली में ये अभी टॉरस राशि में है, फिर मिथुन में जाएगा, मिथुन उसका लगन है बीजेपी का, तो ये गठबंधन को डैमेज कर देगा, ये गोचर का मंगल भाजपा, और जो भाजपा की वर्षफल की कुंडली दिखाई थी उसमें भी ये मंगल का गोचर खराब आ रहा है,
ये गोचर भाजपा के वर्षफल की कुंडली में तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी, एर्थ हाउस मृत्यु का होता डेथ का, और थर्ड भाव पर दृष्टि देकर सहयोगियों से मतभेद होकर संबंध टूटने का संकेत दे रहा है। मतलब दूसरी कुंडली के अनुसार भी भाजपा में बिखराव आ रहा है। 90 दिन तक बहुत खराब समय है। अब मोदी जी की शपथ की कुंडली पे आ जाता हूं, जो मैंने अभी दिखाई है। ये मंगल मोदी 3-3-0 की कुंडली में भी छठवें भाव यानी झगड़ा संघर्ष का स्वामी है। इसकी 10वें भाव पर दृष्टि है। ये गोचर का मंगल सरकार के अहंकार, हट, धर्मिता, मतलब जो इनके जिद्दीपन है, दम्भी है ना, घमंडी को बढ़ाएगा। ये सरकार थोड़ा विंडिक्टिव होकर के काम करेगी, ये तो है। ये मंगल को क्या करेगा, विंडिक्टिव होकर काम करेगा। जैसे अमित शाह ने वो किया ना, वो क्या संविधान हत्या दिवस कर दिया उसको। इन बेवकूफों को ये नहीं पता, देखिए सीधी सी बात है, इनको मालूम ही नहीं है कि संविधान और प्रजातंत्र की मीनिंग क्या है। और हत्या नहीं करना चाहिए था, संविधान बचाओ दिवस हो जाता, संविधान देखो इलॉजिकल है, मैं क्योंकि इनका कुतर्क का योग है ना, मंगल इनका पीड़ित है। देखिए अगर संविधान की हत्या हो जाती, संविधान धर्म का प्रतीक माना गया है, किसी भी देश का संविधान उसका धर्म का शास्त्र है, उसका धर्म शास्त्र है, क्योंकि उसी से वो समाज, उसकी जो प्रजा है, उसकी जो पब्लिक है, वो एक इकट्ठी रह पाएगी, सिस्टम चल पाएगा। सिस्टम की मूल आत्मा बेसिकली संविधान होता है। तो अगर संविधान की हत्या होती तो फिर देश कैसे चलना, भी देश तो खत्म हो जाना चाहिए था वहां पर उसको। जबकि नरेंद्र मोदी अमित शाह को चाहिए था प्रजातंत्र शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था। टेक्निकल एरर है इनसे, देखिए, क्योंकि वो डेमोक्रेसी पे अटैक तो हुआ था कि भाई डेमोक्रेसी पे हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डैमेज हुआ था जब इमरजेंसी लगाई गई उसका, और उसका दंड पब्लिक ने दे भी दिया था, उनको चुनाव हरवा दिया था, तो बात तो वहीं खत्म हो गई। लेकिन संविधान की हत्या क्यों कर रहे हो भाई? संविधान की हत्या तो दरअसल, आपने हत्या शब्द तो बिल्कुल गलत है, हत्या का शब्द मतलब हमेशा के लिए डेड हो गया को। हाँ, इनको चिंतन ये करना, ये घबरा गए दरअसल। जो राहुल गांधी ने संविधान, और लोगों ने ज्यादातर एमपीज ने संविधान पर शपथ ली, और पब्लिक ने जो पब्लिक में मैसेज चला गया कि इनके आते ही हमारा संविधान बदल देंगे, उस वजह से ये चुनाव हार गए। अब इनको कोई झुंझुना, किसी ने इनके एडवाइजर ने ये बता दिया होगा कि अब आप संविधान हत्या दिवस बना दो उसको। अरे यार, इसका क्या मतलब है? आपने राष्ट्रपति को भी घसीट लिया इसमें, आपने ओम बिरला जैसे लो आईक्यू आदमी को भी घसीट लिया इसमें, कि ओम बिरला ने भी वहां पर वो सदन में जो है कोई एक क्या नाम कहते हैं उसको, प्रस्तावना करके वो शोक सभा भी कर दी, उसमें 2 मिनट का मौन रख दिया। अरे कौन मर गया था उसमें यार, जो तुम शोक सभा कर रहे हो? आपने 121 वहां पर बेचारे गरीब मर गए हाथरसों, उसमें तो आपने 2 मिनट का मौन रखा नहीं। 800 किसान मर गए किसान आंदोलन में, अब आपने 2 मिनट का मौन ही रखा। और राष्ट्रपति जी भी हमारी इतनी सम्माननीय है, उनका आदर है, हम आदर करता हूं मैं, वो भी इस चीज को कभी अपने भाषण में नहीं लेके आई। तो मैं आपको बताता हूँ, 4 जून 2024 जो निकली है, जिस दिन परिणाम आए, उस दिन प्रजातंत्र के स्वस्थ होने का दिवस है। तो मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको कहूंगा कि इनके काट में, इनके अगेंस्ट में 4 जून 2024 को संविधान के स्वस्थ होने का दिवस मनाया जाए, पूरे एक प्रस्ताव पारित कर दें। आप भी नेता हो गए, ऐसा है ना, आप खुद जानते हैं संजय जी, 2014 से जो डेमोक्रेसी है वो आईसीयू में चली गई थी, और जब आईसीयू से जब बाहर आते हो, स्वस्थ होकर आते हो, तो सेलिब्रेशन करते हो, नहीं करते हो? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर 3 राज्य हार गए तो क्या नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देके संन्यास ले सकते हैं? वही तो मैंने आपको बता तो दिया भाई, मैंने तो आपको कहा ना कि अपने प्रोग्राम में ही बता दिया कि एक तो मैंने आपके वर्षफल की जब कुंडली चर्चा की थी भाजपा की, कि 5 अप्रैल 6 अप्रैल 2024 से जो साल शुरू हो रहा है, जो अगले साल 5 अप्रैल 2025 तक चलेगा, ये पूरा साल में सरकार चल नहीं पाएगी। आपने मेरे से पिछले प्रोग्राम में ही पूछा था, मैंने लेकिन सरकार ठीक रही, सहयोगी दल नहीं गए, लेकिन 3 राज्यों में जो करारी हार मिली उसके बाद प्रधानमंत्री, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, इंडिया एलायंस की जो कुंडली मैंने दिखाई है, इंडिया एलायंस की कुंडली में सत्ता में आने का योग बन रहा भाई, उनकी शनि की दशा, उनकी शनि की महादशा चली और सत्ता में वापस आने का योग चला। और मैंने अभी आपको आपके प्रोग्राम में बता दिया कि इनका बिल्कुल क्लीन स्वीप इंडिया एलायंस करने जा रहा है, गठबंधन इनका टूट जाएगा, मोदी जी गिर जाएंगे, मोदी जी को इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा। और विद इन दी पार्टी भी, देखिए अभी विद इन दी पार्टी भी इनके जो है झगड़े आ रहे हैं सामने, वो विद इन दी पार्टी झगड़े। राजीव जी, उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी सरकार में, योगी सरकार पार्ट 1 में कैबिनेट मिनिस्टर थे मोती सिंह जी,
उन्होंने कहा कि मैंने 42 साल की राजनीति में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना उत्तर प्रदेश में मैं इस समय देख रहा हूँ। थाने हो, कचहरी हो, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट गए। बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है मोती सिंह, बड़े प्रभावशाली नेता है प्रतापगढ़ के। ये खत्म नहीं हुआ था तब, उससे पहले अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री मोदी जी की मंत्री, उन्हें योगी आदित्यनाथ को छुट्टी नहीं दी कि आपके यहाँ जो नौकरी हो रही है इसमें बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को जानबूझ के नौकरी नहीं दी जा रही है। लोग हैरान कि मोदी जी के मंत्री योगी पे हमला कर रहे हैं। ये दो हमले खत्म नहीं हुए थे, कल जौनपुर के विधायक ने कह दिया कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। जो कर्म है सरकार के, बीजेपी के विधायक कह रहा है जो कर्म है सरकार के इसके आधार पर हम नहीं आ पाएंगे, केंद्र दखल दे उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ यूपी में भी बम फूट रहा है, बाकी क्या होगा वो तो मैं अगले प्रोग्राम में पूछूंगा, लेकिन झगड़े हर तरफ पड़ रहे हैं इनके। कर्नाटक के एक दलित एमपी ने कह दिया कि मोदी जी की सरकार में पिछड़ों दलितों की जगह ही नहीं है, मंत्रिमंडल में सब अगड़ों की चलती है। तो ये पार्टी के अंदर एक बम तो फूट ही रहा है, आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास तो चूंकि आरएसएस और भाजपा के लोग मिलने आते रहते हैं, मेरे ज्यादातर जान पहचान तो उन्हीं लोगों में है, वहां पर से ये सारी चीजें बिल्कुल वेट एंड वॉच मोड में है और उसमें पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इनसे नमस्ते की जाए, इनकी विदाई तय है। क्योंकि अब उन लोगों को पता लग गया कि नरेंद्र मोदी, जैसे आपने कहा था, मैंने उदाहरण दे के बता दिया कि 62% जगह पर ये अपने प्रचार करने गए, सीटें नहीं मिली हैं इनको, तो नरेंद्र मोदी ब्रांड खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी की जो ये हर एक इंसान में, जी आपको बताता हूँ, पैसे वाले के दिन याद रखिएगा, एक सामाजिक उदाहरण दे रहा हूँ, कॉमन एग्जाम्पल, पैसे वाले को जिस दिन ये एहसास हो जाए कि मेरा पैसा मेरे काम नहीं आ रहा, उस दिन जल्दी टूटता है उसका भाई साहब, साइकोलॉजिकल लेवल पे डिप्रेशन में जल्दी आता है। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का फेस चल रहा है, और अमित शाह की कुंडली तो मैंने बताई थी कि उसके हेल्थ के लिए कोई घटनाएं ज्यादा बढ़ेंगी, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत खतरनाक समय है और सरकार गिरने का योग है पूरा ये इन राज्यों के चुनाव के बाद में, क्योंकि लगातार ग्रहों की स्थिति ऐसी आ रही है। और मैं आपको ये एक और चीज बताने वाला था, भाई देखिए अपमान कितना है नरेंद्र मोदी जी के साथ जो हुआ, वो तो पता नहीं किस कारण से वो न्यूज दबा दी गई, को जो चप्पल चली थी बनारस में, भाई आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ यार। हम देसी भाषा में कहते हैं तू तो चप्पल खा के आया। नरेंद्र मोदी जी, देखो नरेंद्र मोदी जी बेचारे अक्सर चुनाव की रैलियों में कहते थे कि देखो भाइयों बहनों विपक्ष मुझे गाली देता है, वो गालियां गिनाते 100 हो गई, 150 हो गई। तो हम अपनी आम भाषा में नहीं, हमारे माता पिता अगर हम गलती करके आते हैं तो हमारे संस्कारी माता पिता क्या कहते हैं, बोले बेटा तू गाली खाने के चप्पल खाने के काम क्यों करता है, यही तो कहते हैं, तू यार तू काम ही क्यों करता है ऐसे गाली खाने के चप्पल खाने के। तो ये दरअसल इनसे कोई पूछे कि भैया तुम गाली खाने के चप्पल खाने के काम क्यों करते हो। अब आप देखो, वो तो हमने आपको एक पिक्चर नहीं बताई थी, मोदी जी अब तुम कब जाओगे, ये देश अब आवाज उठा रहा है कि मोदी जी कब तुम कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे, एक पिक्चर बनी थी परेश रावल की, उसी पर हम चलते चलते एक बहुत अच्छी बात कहने वाला हूं मैं कि देखिए जो फेक फैक्ट्री 2010 से चलाई गई थी उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, समाज में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के केस बहुत बढ़ गए थे। हम लोग सब जानते हैं कि आपस में रिश्ते खत्म हो गए, सोसाइटी के अंदर रिश्ते खत्म हो गए, आपस में रिलेशनशिप खत्म हो गई, फ्रेंड्स के रिश्ते खत्म हो गए फेक न्यूज के कारण। तो ये जो हमारी जिंदगी में तीन इमोशंस सबसे बड़े माने गए, वो तीन इमोशंस हैं, दीज आर द थ्री मोस्ट पावरफुल इमोशन, फियर, वरी एंड एंथुजियाज्म। आप देखिए, करेज इज मास्टरी ऑफ फियर नॉट एब्सेंस। फियर कब आता है, देखिए फियर जब आता है, द बेस्ट वे टू मैनेज फियर इज टू अंडरस्टैंड इट एंड देन टू यूज इट एज ए मोटिवेटर इंस्टेड ऑफ इनहिबिटर। डोंट थिंक ऑफ फियर एज ए डिटरेंट, थिंक ऑफ इट एज ए किक इन द रियर टू प्रिपेयर। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस क्या कहती है अबाउट वरी, वरी के बारे में, वरी अफेक्ट्स सर्कुलेशन, द ग्लैंड्स, द होल नर्वस सिस्टम एंड प्रोफाउंडली अफेक्ट्स द हार्ट। नो मैन डाइज फ्रॉम ओवरवर्क बट मैनी हु डाइज फ्रॉम डाउट। द बेस्ट वे टू मैनेज वरी इज टू गेट आउट ऑफ इट एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। You can use worry as a kick in your back to get motivated to act. Worry is nothing more than misuse of your imagination. जो हमारे mind में जो negative thoughts आते रहते हैं उसी की वजह से worry होती है. So see the and all you have to do manage your worry is to manage your imagination. और enthusiasm के बारे में last बात खत्म करता हूँ. Enthusiasm क्या है? उत्साह कहते हैं हिंदी में. आपको पता है उत्साह क्या है? उत्साह basically आपकी वो power है जो आत्मा की शक्ति को माना गया है. Genuine enthusiasm is a way of life. Enthusiasm comes from Greek prefix en meaning within.
एंथुजियाज्म ईएन जो है वो उसका मीनिंग है विद इन एंड द वर्ड थियोस व्हिच मींस गॉड पुट देम टुगेदर एंड वी हैव अ ब्रिलियंट डेफिनेशन ऑफ एंथुजियाज्म गॉड विद इन जो हमारे अंदर भगवान है वही उत्साह है एंथुजियाज्म एंड सक्सेस आर ट्विंस एंड इट्स हार्ड टू फाइंड वन विदाउट द अदर आपकी सक्सेस किसी भी क्षेत्र में हो अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है तो आप देखिए कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते और चलते चलते एक भक्ति की बात बता देता हूं भक्ति के बिना आप अपनी वरीज इमोशंस इमेजिनेशन को प्यूरिफाई नहीं कर सकते तो भक्ति में चार सहायक माना गए हैं उसमें है शास्त्र गुरु एंथुजियाज्म उत्साह और जो है आपके क्या नाम है वैराग्य बिना इसके आपकी भक्ति डेवलप नहीं होती तो चलते चलते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार चार एक जरा सा डेफिनेशन बता दूं रिमाइंडर है कि विकार और कलेश क्या होते हैं लोगों को जानना चाहिए देखिए पांच विकार कहे गए विकार कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड विकार वो कहे गए काम क्रोध लोभ मोह इच्छा निंदा करना चुगली करना झूठ बोलना आप जितना इसमें लिप्त रहेंगे उतना मेंटली आपकी माइंड की थॉट्स बिगड़ जाएंगी और कलेश कौन से कहे कलेश को कहे ट्रिबुलेशंस एंड डिस्ट्रेस कहा गया मिजरी भी कहा गया तो पांच कलेश कहे गए अज्ञानता इग्नोरेंस और जैसे आप व्हाट्सएप की पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते हो बिना उसके फैक्ट्स को जाने गलत है ना नहीं करना चाहिए कभी भी आप पढ़िए ना गूगल पे जाके मैं भी आपका प्रोग्राम करता हूँ बहुत सारा पढ़ता हूँ आप मेरा कोई कमरा आकर देखा कभी पिक्चर भेजूंगा चारों तरफ मेरे पेपर बिखरे पड़े हैं किताबें बिखरी पड़ी हैं तो अज्ञानता ईगो अहंकार अटैचमेंट राग द्वेष और फियर ऑफ डेथ तो याद रखिएगा जिस दिन आपके अंदर फियर आ गया तो उस दिन आप 6 फीट के लंबे भी हों तो आप देखिए लगातार कॉन्स्टेंटली इस फियर में रहिएगा तो आपकी डेथ निश्चित है एक छोटा सा उदाहरण देके समाप्त करूंगा चैलेंजिंग उदाहरण है और ज्योतिष की जो आपके यूटिलिटी हमारे जीवन में क्या इसका आपको उदाहरण बताता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए एक लेडी मेरे कॉन्टेक्ट में आई अभी सिर्फ एक हफ्ते पुरानी घटना है मुझे माफ कहें वो मैडम मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन एक केस स्टडी के रूप में बता रहा हूँ उनकी जब मैंने मैडम की हॉरोस्कोप देखी तो मैंने कहा मैडम आपको तो कैंसर है मैं कभी नहीं मिली कभी नहीं मेरी बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि मेरा कि मैंने कहा कि उनकी हॉरोस्कोप में कैंसर का योग दिख रहा था तो मैंने कहा मैडम आपको तो कैंसर है और आपको किडनी का स्टोन भी होना चाहिए तो उस मैडम ने ये कहा कि आचार्य जी आप ठीक कह रहे हैं मुझे एक नहीं 4 कैंसर है उनको ब्रेस्ट कैंसर था उनको लीवर का कैंसर था उनको स्किन का कैंसर और एक और चौथा कैंसर बता रही थी और वो बता रही थी कि मुझे किडनी में स्टोन भी हो चुके हैं तो भाई साहब संजय जी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए तो मेरा शरीर ठंडा हो गया अब मुझे लगा कि मैं इस लेडी को क्या काउंसलिंग दूं जिसके सामने सर्टेन डेथ दिखाई दे रही है तो मैं फियर का एग्जांपल आप पे ये केस सुना रहा हूं तो मैंने कुछ सेकंड के बाद अपने आप को संभाला मैंने कहा भाई अगर मैं ही इसको डीमोटिवेट कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा तो मैं हंस के जानते हो क्या ऐसा टॉपिक चेंज कर दिया मैंने कहा मैडम जी बताइए अब डॉक्टर बड़ा कि ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बड़ा मैं तो आपको कभी मिला नहीं मैंने कैसे देख लिया कि आपको कैंसर है बोले कि आचार्य जी मैंने बहुत सुना है आपके बारे में और सही कहा आपने तो मैंने उनसे कहा और मैंने हंस के जानते टॉपिक को मैंने उनको रिलैक्स कर रहा था उनको ह्यूमर में लेकर के आ रहा था मैंने कहा मैडम डॉक्टर ने विदाई का टाइम क्या बताया मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ मजे में कि डिपार्चर का डॉक्टर कब कह रहे हैं विदाई कब होने वाली है आपकी तो वो कहती हैं दर्शक सुने इस चीज को वो कहती हैं डॉक्टरों ने ये कहा कि अगर आप खुश और प्रसन्न चित्त रहेंगी तो 5 साल जिंदा रह सकती हैं और अगर टेंशन में एंग्जाइटी में फियर में रहेंगी तो अगले महीने भी डेथ हो सकती है तो मैंने उनको कहा कि चलिए वो मैं काम आपको आसान कर देता हूँ मैंने हॉरोस्कोप जब देखा तो मुझे कुछ पीरियड दिखाई दे रहा था मैंने उसको कभी ज्योतिष का उद्देश्य नहीं होता डेथ को प्रेडिक्ट करना कभी नहीं करना भी नहीं चाहिए मैंने कहा मैडम उनके एक खुशी की न्यूज़ दी कि मैंने आपके बेटे की शादी हो जाएगी और आप पोता देखेंगी तो वो बड़ी खुश हो गई तो कहने का मतलब ये है कि फियर को आप ये देखिए एड्रेस नहीं करेंगे तो अच्छी भली पर्सनालिटी के लोग भी खत्म हो सकते हैं कृपा करो गुरुदेव की नाय जय श्री राम जय शुक्रिया राजीव जी आपने समय दिया आभार थैंक यू तो ये थे राजीव जी आप सुन रहे थे कि इनकी बेहतरीन बातें और मुझे यकीन है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी अपनी राय से अवगत कराइएगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू